अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मान में रखे, हमें भी अपनी ज़मान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इजी और बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। हम बना रहे हैं कीमे और आलू वाले चावल, बहुत मज़े के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, मैंने ये 1.5 पाव मेरे पास कीमा था, ये मैंने लिया फ्रीज हुआ है। तो अब मैंने इसको खोलना है, कुछ भी नहीं डालना है इसमें, ना कोई स्पाइस कुछ भी नहीं डालना। तो मैं इसमें डालूँगी पानी, 1 कप पानी डाला है। इसको अब मैं ऊपर रख दूँगी फ्लेम पे, तो ये ताकि आराम से खुल जाए। तो फिर मैं अगला प्रोसेस आपको दिखाती हूँ आपके क्या करूँगी। माशाल्लाह से बॉयल हो गया। तो आप जो आगे वाली चीज़ें वो मैं आपको दिखा दूँ। मैंने ये लिए थे छोटे छोटे आलू थे, 5 आलू, क्योंकि आलू हमें बहुत पसंद है। तो ये देखें, मैं इस शक्ल में इनको काटा है, काट के पानी में भिगो दिया। 5 आलू लिए थे। अब इसमें जो जो जाएगा, ये प्याज लिया, एक बहुत बड़ी प्याज ली है। मैं चावलों में प्याज ज़्यादा डालती हूँ, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। 1 टमाटर बड़ा ले लिया। नमक आप अपने ज़रूरत के हिसाब से लें, क्योंकि इसमें आलूओं का नमक भी है और कीमे का नमक भी है, ठीक है। तो चावलों का भी है नमक। ये ज़ीरा 1 टेबल स्पून है, और सूखा धनिया जो 2 टेबल स्पून भी है। सुरख मिर्चें हैं 1 टीस्पून है, ये अदरक है, और ये लहसुन है। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं चावल पकाने। देखते हैं, चावल बनाने हैं वो मैंने ऊपर रखा है। अब इसमें मैं डालूँगी ऑयल, क्योंकि ऑयल ज़रा ठीक डलेगा इसमें। तकरीबन 1/2 कप इसमें ऑयल डालूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूखे सूखे चावल जो हैं वो अच्छे नहीं लगते, गर्म होता है जैसे कि। मैं फिर इसका मसाला बनाती हूँ चावलों के लिए। ये मैंने एक मोटी इलायची ली है, 1 सिनेमन स्टिक की, ये इसके 3 छोटे छोटे पीस कर लिए, ये 4-5 लौंग है, और इसमें मैं काली मिर्च भी डालूंगी साबुत। ठीक है, ये 10-12 मैंने काली मिर्च ली है, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा था। अब मैं डालूंगी प्याज, बिस्मिल्लाह, और इसको कल मैं पकाऊँ, जैसे इसका कलर आएगा फिर मैं बाकी के चीज़ें डालूँगी। तो बस प्याज हमारे ब्राउन हो गया, थोड़ा सा डालूंगी पानी, बिस्मिल्लाह। ये मैंने छिलके समेत इनको कटिंग की है, ये बड़े अच्छे लगते हैं। छिलके समेत करें ना तो ये फिर उसमें घुलते नहीं है, साबुत आलू आपको मिल जाते हैं, इसलिए छिलका नहीं होता। ये मैं थोड़े से इसमें करी लीव्स डालने लगी हूँ, ये थोड़े इनका कलर चेंज हो गया, क्योंकि ये मैंने धो के तो इनको सुखा कर फ्रिज में रखा हुआ था। और ये आप सोचो सेहत के लिए इतने ज़बरदस्त हैं। कहते हैं कि पेट में के अंदर की जो 4-5 बीमारियाँ कोई ऐसी होती हैं जो कि इन लीव्स के साथ आपकी ख़त्म हो जाती हैं। सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो मुझे तो जब से पता चला मैं हर खाने में ये डालती हूँ, और इसका वाकई बहुत मज़ा आता है। और मैं इसमें डालूँगी अदरक, इसमें सारे मसाले डाल दूँगी, इसमें नमक, सुरख मिर्चें, ज़ीरा और सूखा धनिया, और लहसुन का आपको पता ही है कि मैं फ्रिज में डालती हूँ। मेरे जब चावल बस दम पे आने वाले होते हैं, थोड़ी देर पहले मैं हल्का हल्का जिसमें पानी होता ना, जिस वक्त मैं उस वक्त लहसुन डालती हूँ। इसको अच्छे से भून करके वहाँ से 10 मिनट पा के आलू थोड़े से अच्छे से डाल दें, फिर मैं इसमें पानी डालूँ। ये देखें माशाल्लाह से आलू का जो पानी है, अदरक वगैरह का डाला था, आलू डालने से डाल दिया, और उसमें डाला जो पानी है, इसमें लगा पानी रखी। 3 गिलास चावल है हमारे, 4.5 गिलास में पानी इसमें डालूंगा, मैंने नाप के रखा हुआ था। बस जैसे ही पानी को बॉयल आता है और थोड़े से आलू और गलेंगे तो मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। ये एक बॉयल आएगा तो, क्योंकि चावल भी पकने हैं तो फिर उसमें भी आलू जो है हमारे गल जाएंगे। ये मैं चावल डाल रही हूँ, चावल पानी हमारा बॉयल हो गया, और इसमें चावल डालूंगी। तो अब मैं इसमें एक डालूंगी नींबू का रस, ताकि आपके चावल कभी भी कुछ भी हो जाए, आपके चावल जो है ना वो ढीले नहीं होते, नरम नहीं होते,
एक दूसरे को चिपकते नहीं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैं एक लीमू का रस डाल रही हूँ, पूरे लीमू का। इसके सीड्स मैंने निकाल के रखा हुआ था काट के। तो इस कंडीशन में आपने आप इसका नमक चख लेना कि ना। ये देखें आप पानी के ऊपर आपको तरी इसकी जो कम लग रही है, ये दाने दाने लग रहे हैं, इसमें ऑयल भी कम है। तो मैं ऑयल और नमक और डालूँ। ये आज के लिए आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी टिप है कि पानी को देखें ऊपर, शायद मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है, ये छोटे छोटे दाने ऑयल के नज़र आ रहे हैं। इस तरह हो तो चावलों में वो ऑयल कम होता है, जो उस ऊपर एक लेयर ना बनी हो तो आप समझ लें कि चावलों में ऑयल कम है। तो इस जगह पे आके आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लें। देखें अब देखें इसकी कंडीशन, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखें, बाज़ लोगों को पता नहीं चलता कि चावलों में ऑयल कम है कि ज़्यादा है, तो वो फिर इस जगह पे आकर तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हाफ़ टी स्पून में ये डालने लगी, थोड़ा सा और नमक मुझे कम लग रहा था, ये डाल दिया। अब इस कंडीशन में आप मैंने लहसुन जो कुटा हुआ ना मेरा वो डाल दूँगा। ये थोड़ा सा पानी रह गया ना, तो ये मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी, और फिर जब ये थोड़ा सा पानी और ड्राई हो जाएगा तो इसका डालते रहता हूँ। आँच को कर देंगे मीडियम पे। तो व्यूअर्स ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे रेडी हो गए हैं। थोड़े से शामी कबाब पड़े हुए थे तो वो हमने साथ फ्राई कर लिए, थोड़ा सा जायका जो चावलों का दुबला हो जाए। तो इसको ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़े के हेल्दी हैं। इसमें सब्ज़ी भी है, कीमा भी है, और फिर आगे से ये दाल और गोश्त भी है इसमें कबाबों में, तो ये सेहत के लिए भी ठीक है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब चाहती हूँ इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।